सादर जय श्री राम। दोस्तों आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल, मैं हूं राकेश। आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसे जीवितिया व्रत भी कहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिलता रहे। तो चलिए हम आपको जीवितिया व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाते हैं। एक बार नमिष्णायन के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वो आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी सब बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी और अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर जब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गए और उनसे धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिमूत बहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हो कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमूत बहन को तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी औरत ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाया अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल के बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश मेरा जन्म हुआ है और जिमूत वाहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग,
तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, सब अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गौर राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नगर नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गौ ने खाया था। राजा के त्याग और गौ की कृपा से वहाँ सब बहुत कष्ट दूर हो गया, सबका कष्ट। राजा के त्याग और गौ की कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गौ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है, हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। जो स्थिति को जो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की विवृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी व्रत को करें और नवमी में पारण करें। आपको बता दें कि कभी कभी होता क्या है कि सप्तमी तिथि दो घंटा के बाद अष्टमी हो जाता है, तो लोग अष्टमी जान करके उस व्रत को कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शुद्ध अष्टमी तिथि वही होता है जिस तिथि में अष्टमी तिथि में सूर्योदय हो वही अष्टमी तिथि मानी जाती है, वही शुद्ध अष्टमी होती है। यहाँ वही जिक्र किया गया है किताब में कि शुद्ध अष्टमी तिथि को व्रत करना है और नवमी में पारण करना है। नवमी यानी कौन? जिसमें सूर्योदय नवमी में हुआ हो। तो कह रहे हैं कि यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजा करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासन स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष के सखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के तो खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया। फिर वह चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय सौ से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे गौशाला में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। उस दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मे। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहपत अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई।
पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन की पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजा रानी अभी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो बेटे तुम्हारे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले दिव्य व्रत को बताया, स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इस प्रकार यह जीवित पुत्र का व्रत की कथा संपन्न हुआ। एक बार बोलिए दुर्गा माता की जय, जीवित वाहन की जय। तो दोस्तों आपको यह जीवित या व्रत की कथा कैसा लगा कमेंट में लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पुण्य के भागी बने। सादर जय श्री राम।